Man A is sitting in a car moving with speed 54 kilometers per hour, observes a man B in front of the car crossing perpendicularly a road of width 15 meters in 3 seconds. Then the velocity of man B in meter per seconds will be. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कार ए जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, 54 किलोमीटर्स पर आवर और 15 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. ओके, कार ए, और ये ऐसे करके जो रोड है, ठीक है, जो रोड है ये कार ए में बैठा हुआ ड्राइवर विटनेस करता है कि मैन, ठीक है, इस कार के रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलरली ऐसे, मतलब ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे करके ये क्रॉस किया. और ये जो है इसकी विड्थ है 15 मीटर्स और टाइम लगा इसे 3 सेकंड्स. ओके, तो यहाँ पे ये जो पर्सन जो ऐसे करके वॉक कर रहा है वो इसके रिस्पेक्ट से देखा गया. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, ये मतलब बी जो भी पर्सन है और ए कार, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/3, 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो इसका वेक्टर ट्राइंगल देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 5 मीटर पर सेकेंड, देखो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ऐसे, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में है और तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इस डायरेक्शन में है. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी जो कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था. ओके, तो वेक्टोरियली हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए. ठीक है, तो अब जैसे हमको निकालना क्या था कि देन द वेलोसिटी ऑफ मैन बी विल बी. ओके, तो यहाँ पे, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बी, तो बेसिकली हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट. ठीक है, अंडर रूट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वही पाइथागोरस लॉ लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. ठीक है, वी बी ए को मतलब ट्राइंगल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया वी बी ए. ओके, अब इस पे तुम्हारा पाइथागोरस लग दिया. ठीक है, वी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वी बी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी, तो हमें वही निकालना है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी विल बी इक्वल टू 5 अंडर रूट 10. ओके,